Assalamualaikum. Welcome back to an amazing episode of Bake with an Expert. मैं हूँ शेफ साद बट उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे. कराची का मौसम इंजॉय कर रहे होंगे, सर्दियाँ आ चुकी हैं, कॉफ़ी पी रहे होंगे, मज़े मज़े खाने ट्राई कर रहे होंगे. आज जो रेसिपी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, एक ये समझे बच्चों की फेवरेट रेसिपी है. एंड समझे ये एक झटपट बनने वाली तो चीज़ होती है, क्योंकि सारी रेसिपीज़ मैं बहुत जल्दी बनाने वाली आपके लिए लेकर आता हूँ. एंड ताकि जो घर में चीज़ मौजूद हो उसको बस मिलाएं एंड जल्दी बन जाए. कोशिश ये मेरी होती है कि अवन यूज़ ना हो ज़्यादा, लेकिन ऑब्वियसली बेकिंग का शो है, अवन यूज़ करना होता है. लेकिन इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको ऐसी ऐसी डिशेस बताऊँगा, डिज़र्ट्स बताऊँगा जो अवन के बग़ैर बन जाएँ एंड बहुत झटपट बन जाएँ. आज जो रेसिपी मैं लेकर आया हूँ, एक तो सबसे पहले मेरी फेवरेट एंड मेरे स्टाइल में जो है वो है, यहाँ पर क्लब सैंडविचेस हैं सिग्नेचर स्टाइल में मेरे, एंड वो भी बहुत इजी है. लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डिज़र्ट से, मीठे से. एंड ये बच्चों की बहुत फेवरेट है, एंड बहुत कुछ लोग होते हैं जिनको ये वैसे पसंद तो होती सबको ये, लेकिन कुछ लोग बहुत चूज़ी होते हैं. ये है यहाँ पर बाउंटी बार्स. अब आप लोग बहुत ख़रीदने जाते हैं क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, एंड चॉकलेट जब आप लेने जाएंगे तो पता चल जाता है कि यार इतनी महंगी हो गई है, तो क्यों ना आप घर पे उसको बनाए, रेप्लिकेट बनाएं. एंड सिंपल एंड इजी एंड सेम इंग्रेडिएंट है, एंड कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं इसमें. क्या है, यहाँ पर चॉकलेट है सबसे मेन हमारा जो की इंग्रेडिएंट है, उसके साथ है खोपरा. खोपरा मैंने यहाँ पर समझे अपने, मैं आपको बताऊँ थोड़ी सी कोशिश ये किया करें, जैसे यहाँ पर क्वांटिटी तो हमारे पास सारी मेजर्ड होती हैं, लेकिन कोशिश ये करें थोड़ा एक्स्ट्रा भी रख लें अगर आपको और एडिशन करनी पड़े किसी चीज़ की. लेकिन जो आपको बेसिक एंड सिंपल रेसिपी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आगे आपको उसको डबल करना है तो उसका डबल आप कर लें, कम करना है तो उसको आप कम अपने हिसाब से बना सकते हैं. अब यहाँ पर क्या किया था मैंने, चॉकलेट को मेल्ट कर लिया, सिंपल कुकिंग चॉकलेट जो होती है उसको मेल्ट कर लिया माइक्रोवेव ओवन में. डबल बॉयलर की भी ज़रूरत नहीं है, माइक्रोवेव में डालें. अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो डबल बॉयलर कर लें थोड़ा सा, एंड बिल्कुल मेल्ट कर लें. यहाँ पर अब मर्ज़ी है आपकी डार्क चॉकलेट लेनी है या मिल्क चॉकलेट लेनी है, दैट्स टोटली अप टू यू. ये हमने यहाँ पर मेल्ट करके रख दिया. अब इसको हमें रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है, क्योंकि हम जब भी कोई चॉकलेट बनाते हैं तो उसके ऊपर हम ड्रिजल करेंगे, डालेंगे, तो वो चीज़ मेल्ट ना हो जाए. तो अच्छा है कि रूम टेम्परेचर पर हो, ठंडी हो थोड़ी सी. अब यहाँ पर है खोपरा, आप देख सकते हैं खोपरा मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, एंड घर में भी यूजुअली होता है, क्योंकि मीठे जब बनाए जाते हैं तो घर में होता है खोपरा. तो यहाँ पर खोपरा मैंने ले लिया है. अब समझे आपने खोपरा लेना है यहाँ पर 125 ग्राम्स, समझे 120 ग्राम्स मैंने ले लिया, 5 ग्राम्स एक्स्ट्रा आप रख लें अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐड कर लेंगे. यहाँ पर एक कप के हिसाब से दूध है, एंड यहाँ पर मेरे पास है कास्टर शुगर. अब कोशिश मेरी ये होती है अगेन कि कास्टर शुगर या आइसिंग शुगर यूज़ करें, क्योंकि जब भी कोई मीठा या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं तो उसमें ग्रैन्यूल्स ना रह जाएं बीच में, दाना दाना ना रह जाए, अच्छे तरीके से घुल जाए मिक्सचर के अंदर. तो कास्टर शुगर बहुत ईजिली घुल जाती है, एंड जो आइसिंग शुगर होती है वो तो ऑलरेडी पिसी हुई होती है. तो यहाँ पर हम कास्टर शुगर यूज़ करें. कास्टर शुगर मैंने ले ली 100 ग्राम्स. हमने क्या करना है, सिंपल एंड बहुत ईजी, फ्राइंग पैन लेना है आपने, एंड इसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर दूध एक कप, साथ साथ मैंने क्या किया यहाँ पर चीनी डाल दी, कास्टर शुगर 100 ग्राम्स. इसको अच्छे तरीके से स्टर करें, मेक श्योर कि ग्रैन्यूल्स इसके डिसॉल्व हो जाएं. बस ये जैसी बबल करेगा तो हम इसमें खोपरा डाल देंगे. आपकी स्क्रीन्स पे नंबर आ रहा होगा, प्लीज़ कॉल करें. कोई प्रॉब्लम है आपको रेसिपी से रिलेटेड, या कोई फरमाइश करनी है, कोई आपकी इनोवेशन है जो आप लोग चाहते हैं हम ट्राई करें, हम बनाएं यहाँ पर, तो प्लीज़ वो भी आप बताएं हमें. एंड आपके पास सारी जितनी भी हमारी जो रेसिपीज़ हैं सारी ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम है या कोई चीज़ अगेन शेयर करनी है, कोई अच्छी बात शेयर करनी है, तो कॉल करें एंड हमारे साथ शेयर करें. अच्छा, ये बबल हो चुका है, सिंपल इसको एक बबल आना है, एंड मैं अब इसमें खोपरा डाल रहा हूँ, सिंपल. अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से ना मिक्स करना है, एंड हाई फ्लेम पे ही रखा हुआ है मैंने. अब होगा ये, आप लोग को अब ऐसे स्टेज पे लग रहा होगा कि ज़रूरत है खोपरे की और, लेकिन नहीं, ये जस्ट कर लेगा दूध को, एंड ये एक डो की फॉर्म आ जाएगी. लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बस हल्का हल्का सा इसको ना आपने मिक्स करना है जेंटली, एंड आँच तेज़ ही रखनी है अभी. जस्ट थोड़ा सा बाइंड हो जाए तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसकी आँच को कम रख देना है, एंड इसको फिर अगेन मिक्स करते रहना है. जस्ट मेक श्योर कि कलर ना आए, ब्राउन ना हो आपका कोकोनट, अच्छे से वाइट ही रहे. ये देखें, अब आप देख रहे हैं ना, ये बाइंड होना शुरू हो गया, दूध जो है इसके अंदर जज्ब होना शुरू हो गया कोकोनट के अंदर. एंड इसी तरीके से आपने इसको ना एक
दो की फॉर्म देनी है, आँच मैंने तेज़ ही रखी हुई है एंड बहुत झटपट एंड बहुत जल्दी ये बनने वाली बार्स होती हैं। एंड आप लोग वाकई जब ये घर पे बनाएंगे ना, आप लोग लिटरली बाहर से लेना ही भूल जाएंगे। ये सब घर में बना के आप रख दें, फ्रीज़र में डाल के रख दें इसको, फिर जब आपने बनाना हो तो फ्रिज में करके बार्स बनाएं। जो अच्छे अच्छे आपके त्यौहार आते हैं हमारे, एंड आपको स्कूल में भी होता है कि पार्टीज़ होती हैं, ईद मिलन पार्टीज़ होती हैं, उसमें भी आप बच्चों को दे सकते हैं ये, ताकि डिस्ट्रीब्यूट करें। एंड हमारे जो आजकल शादियों का तो सीज़न ऐसा आ चुका है, तो उसमें भी जो बॉक्सेस होते हैं उसमें भी आप डाल के दे सकते हैं ये ना। इसको अब मैं क्या करूँ, मैं साइड पर रख दूँगा, आँच इसको कम कर देता हूँ बिल्कुल स्लो। अब हमने क्या करना है, इसको बस पकाना है, इसको अच्छे से इसको पकाएं ताकि जो इसका मॉइस्चर है, दूध जो है, वो अच्छे तरीके से इसमें जज्ब हो जाए। ये देखें साइड इसकी प्रॉपर तरीके से स्क्रेप ऑफ करें। चॉकलेट आपको जो भी लेनी है आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, पर मैंने डार्क ली हुई है। अगर आपको मिल्क पसंद है तो मिल्क यूज़ कर लें, वैसे तो उसमें कॉम्बिनेशन होता है, डार्क एंड मिल्क का कॉम्बो यूज़ करते हैं। बस इसको थोड़ा सा हम लाइटर शेड में लेकर आएंगे, गोल्डन के बहुत हल्का माइनर सा, क्योंकि मुझे दिखेगा आपको आई थिंक ऑन कैमरा नहीं दिखेगा, लेकिन ये है कि अच्छे तरीके से जब ये जज्ब हो जाएगा ना, फिर आपने इसको निकालना है, इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आना है। एंड इसको फिर हम क्या करेंगे, कूल डाउन होने रख देंगे। अब मैं जो भी कोशिश मेरी होती है, जो डिज़र्ट्स हैं फ्रॉम स्क्रैच आपके सामने हो, हर चीज़ सामने बने, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वो क्या करते हैं हम लोग, फ्रिज में रखना पड़ता है, फिर वापस निकालना पड़ता है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा हूँ ताकि इसका जो दूध है जज्ब हो जाए। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। बैक फ्रॉम द ब्रेक, एज यू कैन सी मैंने बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया था हमारे खोपरे का जो मिक्सचर है, इसमें हमने सिंपल चीज़ें डाली है, इसमें हमने कास्टर शुगर डाली है, इसमें खोपरा है एंड दूध है, दैट्स इट। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने ये एक समझे डो की फॉर्म बना ली है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से ठंडा होने रख देना है फ्रिज के अंदर। जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक आपने इसके ऊपर काम नहीं करना है। ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज़ ये डिज़ास्टर हो जाएगा एंड आपकी जो बार्स हैं वो बिल्कुल क्रम्बल कर जाएंगी। आपने क्या करना है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपने ये स्कूप है, अब आप ऑब्वियसली होता है ये कि जब हम लोग बार्स या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं तो प्रॉपर तरीके से हम लोग कोशिश ये होनी ये चाहिए कि मेजरमेंट के हिसाब से इक्वल पोर्शन में एक एक बार बने। तो आपने क्या करना है, एक स्कूप की मदद से लेकर इसको हाथ में रखना है एंड हाथ मैंने साफ़ कर लिए बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल आपने ये करके एक ही हाथ से करके इसको यूं करके आपने रखना है एंड इसको अपने हिसाब के जो आपने शेप देनी है आप वो दे दें, ये लें, ये करके आपने इसको प्लेट में रख देना है। अब आप जब प्लेट में रख देंगे फिर आपने इसको प्रॉपर तरीके से इसको आपने करना है फ्रीज़। इसको फ्रीज़ अगर नहीं करेंगे तो ये आपकी जो जितने भी आपका जो बैटर है, जो मिक्सचर जो हमने बनाया है, ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि खोपरा है, दूध है एंड इट्स सेल्फ, ये फ्रीज़ नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, हार्ड नहीं होगा। तो कोशिश ये करें कि फ्रीज़ करें एंड डबल प्रोसेस है इसमें, फ्रीज़ करना है फिर वापस निकालना है फिर चॉकलेट में डालना है एंड मेक श्योर जो आपकी चॉकलेट है रूम टेम्परेचर पे हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मिक्सचर को रख रहा हूँ फ्रीज़र के अंदर ताकि अच्छे तरीके से ये ठंडा हो जाए। एंड मीनवाइल मैंने क्या किया था, एक और बैच बना लिया था सेम यही प्रोसेस के साथ एंड देयर यू गो, सिंपल आपकी ऐसी ही बनेंगी। मैंने आपको बिल्कुल प्रोसेस दिखा दिया है, हाथों से आपने बनाना है। अगर आप थोड़ा सा समझे 10 मिनट इसको रख देंगे ना फ्रीज़र के अंदर एंड निकालेंगे तो बिल्कुल ये ऐसी बार्स बनेंगी। एंड ये अभी भी सॉफ्ट है क्योंकि फ्रीज़र में मैंने इसको एक घंटा रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये फ्रीज़ प्रॉपर नहीं हुई। तो आपने क्या करना है, बार बार इसको फ्रिज में रखना है। मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रेनर है, समझे कि कोशिश ये होती है कि अच्छे तरीके से ना हाथों का टेक्सचर ना आए आपके बार्स के ऊपर या चॉकलेट के ऊपर। ये लें, यहाँ पर रख रहा हूँ मैं ताकि इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, अच्छे से ड्रिजल करेंगे चॉकलेट को। एंड नीचे ये रखने का मतलब ये है ताकि कोई चीज़ वेस्ट ना हो, क्योंकि चॉकलेट ऑब्वियसली है भी महंगी एंड आपने यूज़ भी करनी है तो और आपके काम आ जाएगी ये। अब क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, स्पून से ये लें, ये या आपने ऊपर सिंपल अपने ड्रिजल कर देने। अगर आपको लग रहा है कि चॉकलेट हार्ड हो गई है तो थोड़ी सी देर माइक्रोवेव कर दें, लेकिन अगेन आपने इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ ये जो आपका प्रोडक्ट है ये भी मेल्ट हो जाएगा।
ये लें, कोई सी मैं और डाल देता हूँ इसमें ताकि आपको दिखा दूँ कि क्या मेन प्रोसेस है। सिंपल एंड होता ये है कि जब आप लोग बाउंटी निकालते हैं पैकेट से तो वो एक शेप आता है, तो ये इससे आता है। सिंपल, दैट्स इट। एंड इसको आपने क्या करना है, इसी को अगेन फ्रीजर के अंदर डालना है एंड फ्रीजर के बाद फिर आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको हम मीनवाइल कर लेंगे ब्रेक में, लेकिन अब चलते हैं दूसरी रेसिपी पे, क्योंकि हमारी जो दूसरी रेसिपी बहुत झटपट एंड अगेन मेरी सिग्नेचर रेसिपी है ये। एंड आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोग बोलेंगे कि ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले जो क्लब सैंडविचेस होते हैं ना, ये एग्जैक्ट वही रेसिपी है। करना क्या है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर मेरे पास। यहाँ पर है एक, समझा आपने, ब्रेस्ट लेना है पूरा जो बटरफ्लाई वाला होता है, उसका एक पीस निकालना है। उसमें से आपके तीन ब्रेस्ट आराम से आप उसको निकालेंगे, फिलेज जो होते हैं वो आराम से आ जाएंगे। ये आपने लेना है। पिज़्ज़ा सॉस है मेरे पास यहाँ पर, टमाटर एक है, अब ऑप्शनल है, मर्जी है, क्योंकि कुछ लोगों को टमाटर नहीं पसंद होते, लेकिन ऑब्वियसली कभी कभार क्लब सैंडविचेस में तो सारी चीज़ें लोडेड होती है तो हम भी डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास टमाटर है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरे पास रेड कैबेज है, इसको वैसे पर्पल नहीं बोलते, रेड कैबेज ही बोलते हैं। ये भी आपको बताऊँगा कि इसको, एक चीज़ प्लीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसको काटने का एक तरीका है बहुत अच्छा जो हम लोगों ने रेस्टोरेंट में सीखा हुआ है। ये जो इसकी रूट होती है ना, ये आपने निकालनी है, ये आपने निकाल ली, ये आपने इसको साइड पे कर देना है। एंड जो अब ये रह गया है, इसको आपने यूज़ करना है। तो प्लीज़ जब भी आप कैबेज लें तो उसका जो रूट है वो निकाल लेनी है, उससे होता है कि बहुत कड़वा जो टेस्ट आता है ना वो आता है आपके खानों में। तो ये आपने करना है, ये गार्निश के तौर पर। मेरे पास यहाँ पर थोड़े से चिप्स रखे हुए हैं, फ्राइज़ हैं, मर्जी है आपको जिस हिसाब से सर्व करना है, चीज़ स्लाइसेस हैं। अब अगेन डायनामाइट सॉस मैंने आपको बताई हुई है कि कैसे बनती है, तो वही सॉस है जो मैं ऐड करूँगा इन सैंडविचेस में। आइसबर्ग लेटस है। अब यहाँ पर है हमारे पास तंदूरी मसाला, तंदूरी मसाला कोई भी ब्रांड का ले लें। मेरे पास यहाँ पर लेमन है, लेमन अच्छे तरीके से इसके ऊपर हम लोग स्क्वीज़ करेंगे। मैं यहाँ पर एक बोल ले लूँ, सीजनिंग बनानी है, ये तंदूरी मसाला आ गया, ये नींबू का रस, आजकल नींबू बड़े अच्छा है मैं तो, प्लीज़ कोशिश करें नींबू को ना आप लोग रख लें एंड उसका लेमिनेट पिएं, अच्छी अच्छी ड्रिंक्स बना के पिए उससे। ये आपका जो ब्रेस्ट पीसेस हैं ये इसमें चले गए। थोड़ा सा अगर आपको ऑयल की ज़रूरत है तो ऑयल ऐड कर लें, वैसे आज से इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें ऑयल डालें क्योंकि हम लोग ने करना है इसको बेक प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर 180 डिग्रीज प्री हीटेड ओवन है हमारा, आप लोग इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये लें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, सारी सीजनिंग अच्छे से इसमें आ जाए। ये 1 टेबल स्पून ऑफ तंदूरी मसाला है, कोई भी ब्रांड का ले लें। घर पे अगर बना रहे हैं तो घर पे बना लें। मैं आपको रेसिपी इंशाल्लाह इन फ्यूचर सिखाऊंगा किस तरीके से बनाया जाता है ये तंदूरी मसाला। आगे बहुत सारे मज़ेदार रेसिपीज़ हैं हमारे पास, ब्रोस मसाला भी है, आगे बर्गर मसाला भी है, सारी सीजनिंग मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से उसको स्टोर कर लें। एंड अगर आपको बेचने हैं ऑनलाइन तो आप वो भी कर सकते हैं। ये हमारा मैरिनेशन हो गया रेडी। अब क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास है पैन, ट्रे है, ट्रे पे इसको हम अच्छे से लगा देंगे यहाँ पर। एंड हमने इसको क्या कर देना है, बेक कर देना है। ये देख रहे हैं ना कितना प्यारा कलर आया इस पर, और कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ तंदूरी मसाला, नींबू का रस, दैट्स इट। थोड़ा सा ऑयल डाला क्योंकि हम बेक कर रहे हैं यहाँ पर 180 डिग्रीज में। अच्छा, मीनवाइल हमने क्या करना है, क्योंकि क्लब सैंडविचेस बना रहे हैं तो आपने लेनी है डबल रोटी ऑब्वियसली। एंड डबल रोटी आपने क्या है, मीडियम अगर आपके पास है तो आप मीडियम ले लें, कोई मसला नहीं है। एंड लार्ज है तो लार्ज भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास मीडियम डबल रोटी मैंने ले ली हुई है। एंड हमने क्या करना है, इसको हम लोग ने यहाँ पर ग्रिल पैन पर अच्छे से इसको मार्क्स देंगे। सारी चीज़ें क्लब सैंडविच का मेन तो ये है कि ब्रेड बनी होती है, सारी चीज़ें बनी होती है, बस असेंबल करना होता है, उसको काट के फ्राइज डालें, चिप्स डालें, सर्व कर दें। थोड़ा सा मैं क्लियर अप कर दूं, यहाँ पर मेरे पास डायनामाइट सॉस की ज़रूरत है।
थोड़ा क्लियर अप कर दूं यहाँ पर मैं, देयर यू गो। अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ग्रिल पैन में ले लेता हूँ एंड इसको हम क्या करेंगे, मार्क्स देंगे यहाँ पर हमारी जो ब्रेड है। कुछ भी नहीं लगाया मैंने, बटर वटर कुछ भी नहीं। अगर आपको ऑयल थोड़ा लगाना है, मैं थोड़ा ऑयल लगा देता हूँ, ऐसा एसेज नहीं है क्योंकि अच्छे मार्क्स ना वैसे ही आ जाते हैं ग्रिल पैन पे। अगर आपके पास कास्ट आयरन वाला पैन है तो उसको प्लीज़ लो आँच पे पकाएं, क्योंकि ये नॉन स्टिक वाला होता है, दो तरीके के आते हैं। कास्ट आयरन है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो उससे आपका जो प्रोडक्ट है बहुत जल्दी, वो आपका जो भी प्रोडक्ट है ना वो जल्दी जलना शुरू हो जाएगा। वो स्टेक्स और उन चीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। देयर यू गो, आई थिंक हमारे चार आ जाएंगे आराम से इसमें। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अच्छे तरीके से इनको ग्रिल करूँगा। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक, फिर आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। बात फ्रॉम द ब्रेक, ब्रेक में मैंने क्या किया था, अच्छे तरीके से जो मैंने आपको बताया था हमारी जो बाउंटी बार्स हैं उस पर चॉकलेट लगा दी है एंड जस्ट मेक श्योर कि आपकी जब चॉकलेट सेट हो जाए अगेन उसको माइक्रोवेव करें 30 सेकंड्स के लिए, सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए उसको निकालें एंड अगेन ड्रिजल करें। एंड मैंने उसको रख दिया फ्रीज़र के अंदर चिल्ड होने के लिए, अच्छा चिल होगा एंड फ्रीज होंगी तभी वो आपके सामने बार की शेप में एक आएगी। हमने अब क्या करना है, सिंपल जो हम लोग एक क्लब सैंडविच बना रहे हैं लेकिन मेरे स्टाइल में, चिकन हमारा हो रहा है 180 डिग्रीज पे, इसको प्रीहीट आपने कर दिया था अवन को एंड फॉर लाइक 10 मिनट्स मैं इसको रखूँगा चिकन ब्रेस्ट को हमारे। इसमें सिर्फ तंदूरी मसाला मैंने डाला था एंड नींबू का रस, दैट्स इट। तीन फिलेज हैं हमारे, एक ही फिले में से आपने तीन निकाल लेने हैं एंड अब क्या करना है, सिंपल यहाँ पर अंडा बनाएंगे एंड नॉर्मल जो अंडा होता है ऑमलेट आपने बनाना है एंड उसमें क्या करेंगे, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देयर यू गो। अच्छा हमारे पास कॉलर है हारिस फ्रॉम स्वात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं स्वात भाई? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हारिस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, कोई फरमाइश करोगे आप? मैं ये फरमाइश करूँगा, फरमाइश तो कोई नहीं लेकिन ये जो आपने दूसरी, जी जी यस आप बोलो जी, ये जो आपने दूसरी रेसिपी पकाई ना ऑन में रखी, जी जी ये हमारे घर में ऑन अवेलेबल नहीं है, अगर हम ऑन के बगैर पकाए तो कैसे पकाएंगे? बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल सेम। आपने जैसे चूल्हे पे आपने पैन पे रखना है ना चिकन आप फ्राई करते हैं वैसे ही आपने करना है। यस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको ग्रीस कर दूंगा एंड इसमें सिंपल हमने एग्स डालने हैं। अच्छा कोशिश ये करें जब भी आप अंडे वाला कोई भी बर्तन होता है उसको फौरन आप लोगों ने धो देना है, उसके अंदर पानी खंगाल दें क्योंकि उसमें जो अंडे की जो एक महक होती है ना वो रह जाती है। तो चिकन भी हमारा हो रहा है यहाँ पर, मैं अंडे को देख लूँ एंड सिंपल हमने क्या करना है, अब इसको मैं स्लो पे रख के इसको बंद कर लूँ ताकि अच्छे तरीके से बन जाए, क्योंकि हमें बिल्कुल इसके ना वो स्ट्रेट्स हमें चाहिए प्रॉपर तरीके से ताकि हम लेवलिंग इसकी स्टार्ट करें। अब मैं आपको बता दूँ कि हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लेने हैं 3 स्लाइसेस क्योंकि बीच वाला सिर्फ बीच में आएगा एंड आपने क्या करना है, यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस आपके पास घर पे होती है, नहीं है तो केचप लेनी है, उसमें ऑरिगनो डालना है, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाल दें एंड थोड़ी सी जो मिक्स हर्ब्स होती है वो डालनी है आपने, और आपकी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो तैयार हो गई है। ये लें, ये आपने इसको डाल दिया है इसमें। अच्छा ये बहुत समझे इजी है, क्लब सैंडविचेस हर घर में वैसे बनते हैं लेकिन मैं जिस तरीके से आपको अभी सिखाने वाला हूँ ना वो बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें होगा ये कि मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास 2 अदद खीरे हैं, इसको मैं काटूँगा एंड प्रॉपर तरीके से पहले पील ऑफ करूँगा एंड इसके अंदर से जो सीड्स हैं वो निकाल के इसके अंदर एक मिक्सचर बनाऊँगा, डायनामाइट सॉस अगर आपके पास मेयोनीज है क्योंकि इसमें मेयोनीज दली हुई है, उसका मिक्सचर बनेगा यहाँ पर खीरों के साथ, डायनामाइट सॉस है एंड साथ साथ मेरे पास जो चिकन है उसको हम काट के अच्छे मिक्सचर बनाएंगे फिर इसके अंदर ऐड करेंगे, बहुत मज़ेदार सी लेयरिंग होगी। चीज़ है मेरे पास चेडर चीज़, कोशिश ये करें चेडर चीज़ ना आप ये वाली लिया करें क्योंकि जो ऑरेंज वाली होती है उससे कलर बड़ा प्यारा आता है। हमारा जो अंडा है वो बिल्कुल हो गया है रेडी, चूल्हा कर देते हैं बंद,
ये वाला स्पैचुला ले लेते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ से भी, प्लीज़ कॉल करें एंड बताएं। कोई भी केक जो क्रम्बल हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी क्या करता था, इतनी गलतियाँ करता था केक बनाने में, एंड बनाते बनाते ही हम सीखें एंड आज आपके सामने हम एंड बहुत सारी जो रेसिपीज़ हैं ख़ुद भी रिक्रिएट करते रहते हैं। कोशिश आप भी करें ताकि अच्छी न्यू रेसिपीज़ बनाएं। एक ही बेसिक रेसिपी पे स्टिक करेंगे ना तो फिर आप लोग कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। कोशिश ये करें कि एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स, नट्स या कोई अपनी वेरिएशन लेकर आए, कलर ऐड करें, थोड़ा क्रिएटिव होएं, और सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐड करें, अपने पिक्चर्स लगाएं, अच्छा है ताकि लोगों के साथ भी शेयर करें, लोगों को भी खिलाएं। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, मैं अपने चिकन को देख लूँ, चिकन अगर हमारा हो गया तो इसको निकाल लेते हैं। बस समझे, दो मिनट रहते हैं इसको चिकन को, एंड जब तक मैं यहाँ पर सॉस लगा दूँ सारे हमारे जो ब्रेड स्लाइसेस हैं, ताकि हमारा काम आसान हो जाए असेंबलिंग का। क्योंकि ये जो काम है ना, ये आप लोग कोशिश करें बच्चों को दे दें, ताकि वो जितना हो सके ये असेंबलिंग का जो काम है ना वो झटपट सारा बच्चे करें, एंड आप लोग बस असेंबलिंग करके इसको बस खिलाएं। देयर यू गो, अच्छी जेनरस अमाउंट लगाएं सॉस की, क्योंकि जितना आपका जूसी है, जितना सॉसी होगा ना आपका जो सैंडविच है, उतना लोग बोलेंगे यार फुल फिलिंग है। और ऑब्वियसली जब आप घर पे बनाते हैं तो इतना फिलिंग बनाते हैं, चीज़ें भी सारी अच्छी होती हैं। एंड एक और भी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी आप कोई चिकन या कोई भी चीज़ ऐसी लें तो प्लीज़ अपने सामने उसको ज़िबा करवाएँ, एंड अच्छे तरीके से कसाई के सामने खड़े होकर। प्लीज़ ये काम ना करें कि आप बोल करके इतना बनाना है, इतना बनाना है, और आप चले जाओ। सामने ज़िबा करवाओ, सामने ही कटवाएं उसकी पीसेस, एंड सामने फिर आप खुद लेकर आएं, क्योंकि इससे होता है कि खुद भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है, एंड जितना ये आप करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। सो ये वाले जो पीसेस हैं, क्योंकि तीन मार रह गए हैं, जो मिडिल वाले हैं ये लगा देते हैं हम इधर। जो सॉस है आई जस्ट मेक श्योर कि सारी इस पर ऐड हो जाए अच्छे तरीके से। अगर आपको सॉस नहीं लगानी, आप मेयोनीज भी लगा सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अच्छा है थोड़ा फिलिंग हो, थोड़ा मज़ा आए खाने में कि फुल सॉसी हो, एंड पिज़्ज़ा सॉस की वैसी अपनी अलग बात होती है। ये ना लगा दिए ये एक्स्ट्रा जो बिट्स है ना, कोशिश मेरी होती है कोई चीज़ बचे नहीं एंड कोई चीज़ वेस्ट ना हो, जो चीज़ आप यूज़ करें सारी चीज़ें ही आप ऐड करें। हमारा चिकन भी हो गया, मैं ये जो है हमारे इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। बहुत ही इजी, एंड ऑब्वियसली कुछ लोग क्या करते हैं, अंडा जो होता है रॉ एग वो भी इसके अंदर बीच में डाल देते हैं, एंड फिर उसको आप अवन के अंदर डाल देते हैं कि वो अंदर पके, उसको भी क्लब सैंडविच का नाम दे देते हैं। तो हर किसी का अपना स्टाइल है, हर कोई अपने हिसाब से बना रहा है। एंड एज यू कैन सी हमारा जो चिकन है कितना अच्छा कलर आ चुका है, एंड आपने क्या करना है, सिंपल अगर आपको ऐसे ही सर्व करना है, ऐसे ही डालना है तो वो ग्रिल सैंडविच हो जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं। ये ले, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोगों ने जब बनाएंगे ना आप लोगों को तब पता चलेगा। ये ले, ये चिकन हमारा हो गया, एंड चिकन को इसको हमने ये देख सकते हैं कितना अच्छा चिकन हमारा बन गया। इसके छोटे छोटे आपने पीसेस करने हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर छोटे पीसेस कर रहा हूँ, एंड इसको करूँगा बोल के अंदर ट्रांसफ़र। उसके अंदर मैं डालूँगा ये डायनामाइट सॉस, खीरे काट के मैं डालूँगा इसके अंदर, सीडलेस करके सीड्स निकाल लेने हैं। तब तक आप लीजिए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने क्या किया था ब्रेक में, यहाँ पर अंडे को अच्छे तरीके से यहाँ पर ना स्लाइसेस मैंने काट लिए हैं ऑमलेट बना के, एंड अब क्या करना है, हमने जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने मिक्स करना है, मैंने मिक्स किया नहीं, मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। यहाँ पर हमारे पास था चिकन तंदूरी वाला था, उसके अंदर मैंने डायनामाइट सॉस मिक्स किया है। यहाँ पर खीरे हैं, मैंने खीरे के अच्छे तरीके से इसका जो छिलका है वो निकाल लिया था, एंड उसके जो सीड्स हैं वो भी निकाल लिए हैं। उसके साथ मेरे पास आइसबर्ग है, एंड यहाँ पर रेड कैबेज है। इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से सबको आपने करना है मिक्स, प्रॉपर मिक्स करें इसको।
एंड ये आपका जो मिक्सचर है ना ये हो गया है रेडी। अब सिंपल असेंबलिंग का काम है, यहाँ पर सलाद पत्ता भी मेरे पास है। अब आपने क्या करना है, ये एक ब्रेड स्लाइस लेना है, यहाँ पर आपने इसके ऊपर ये चिकन डालना है, एक अच्छी जेनरस अमाउंट डालें इसके ऊपर। जब आप खाएंगे ना तो इसका एक क्रंच आएगा। ऑलरेडी इसमें आइसबर्ग हमने डाली हुई है एंड यहाँ पर खीरा भी है इसके अंदर। जस्ट मेक श्योर कि इसका जो खीरा हमने जो डाला है ना वो जो उसके सीड्स हैं वो आप निकालें क्योंकि वो पानी छोड़ते हैं। एंड सेल्फ वैसे भी हमने क्यूकम्बर डाले तो क्यूकम्बर वैसे भी पानी छोड़ता ही है। यहाँ पर अगेन दूसरी हमने यहाँ पर ब्रेड ली है, इसके ऊपर हम डालेंगे अंडा। इसके ऊपर अगर ऑप्शनल है, मर्जी है, तो आप इसके ऊपर यहाँ पर टमाटर डाल लें एंड सबकी फेवरेट हमारी जो चेडर चीज़ है वो ऐड करनी है इसके ऊपर। जो ऑरेंज वाली होती है चेडर वो ऐड की है एंड अगर आपको लेमन स्क्वीज़ करना है वैसे ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर जो मेरे पास ये ऊपर की है रिमेनिंग वो ऐड कर देनी है। अब मैं आपको बताऊँ कि इसको काटना कैसे है। जस्ट मेक श्योर कि एक वेब होता है ना, वेब वो आपने बनाना है ये, और ये इसको काटना है। कोशिश ये करें। अच्छा एक चीज़ है, मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं सेरेटेड नाइफ नहीं ली है। सेरेटेड नाइफ़ क्या होती है, शेफ़ नाइफ़ है ये, तो वैसे हम यूज़ कर लेते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन सेरेटेड नाइफ़ अगर आप लेंगे, क्योंकि उससे होता है कि आपकी जो ब्रेड होती है वो कटती है, तो कोशिश ये करें सेरेटेड नाइफ़ लें। एंड ऑलरेडी इसमें इतना मॉइस्चर है तो थोड़ा सा टूटता तो है एंड कोई परफेक्शनिस्ट तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं हैं। ये नहीं, ये हो गया। अगर आपको मज़ीद और करना है इसके पीसेस तो आप और कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल होता है कि कभी कभार हम लोग को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस मिल रहे होते हैं। ये नहीं, देयर यू गो। हाँ, जो आपके जो स्लाइसेस हैं सारे, मैं और काट दूँ इसको। ये लें, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये प्रॉपर, इसमें अंडा भी दिख रहा है आपको, सारी जो कैबेज है इसमें सारी चीज़ें लेयरिंग आपको प्रॉपर दिख रही है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ प्लेटर जो मेरा है। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर सर्व करेंगे। कोई बात नहीं अगर थोड़ा सा टूट जाए, क्योंकि ब्रेड इटसेल्फ, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, पहले ग्रिल कर दी थी, अगर आप फ्रेश करेंगे उसी टाइम तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। अगर अच्छा है, अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए तो टोस्ट कर सकते हैं आप अपनी ब्रेड को, तो आप वो कर लें। ये लें, मैं अभी इसको यहाँ रख रहा हूँ, तो बाद में थोड़ा सा टूथपिक के हिसाब से इसको यहाँ पर मैं इसको बाइंड करके प्रॉपर एंड फिर सर्व करता हूँ। तब तक आप लीजिए शॉर्ट रिकैप ब्रेक। सिग्नेचर क्लब सैंडविच, अज्जा लार्ज ब्रेड एक पैकेट, चिकन ब्रेस्ट 4 अदद, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, सलाद पत्ते हसब ज़रूरत, लाल बंद गोभी हसब ज़रूरत, खीरा 1 अदद, चीज़ स्लाइस हसब ज़रूरत, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, मेयोनेज हसब ज़रूरत, डायनामाइट सॉस हसब ज़रूरत, अंडे 2 अदद, चिप्स सर्व के लिए टमाटर स्लाइस 2 अदद। तरकीब, चिकन को मैरिनेट करके सीजनिंग, अंडे, तंदूरी मसाला, लीमू का रस और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ पकाएं। ब्रेड को टोस्ट करके चीज़ शामिल करें और पिज़्ज़ा सॉस फैला दें। चिकन को बारीक स्ट्रिप्स में काट कर मेयोनीज, पिज़्ज़ा सॉस, डायनामाइट सॉस और खीरा रखें। अब ब्रेड पर रखकर टमाटर, लाल बंद गोभी और सलाद पत्ते रखें, चिप्स के साथ सर्व करें। बाउंटी बार्स, अज्जा दूध 250 ग्राम, कास्टर शुगर 100 ग्राम, पिसा खोपरा 120 ग्राम, मिल्क चॉकलेट कंपाउंड 150 ग्राम। तरकीब, पैन में दूध और चीनी डालकर उबालें, पिसा खोपरा डाल दें कि वो डो की शक्ल में आ जाए, फिर इसे ठंडा करें। अब बाउंटी मिनी बार्स को फ्रीज करें। अब चॉकलेट पिघलाकर ऊपर डालें और दोबारा फ्रीज कर लें। As you can see, यहाँ पर मैंने सारे जो हमारे सर्विंग हैं क्लब सैंडविचेस आर रेडी एंड उसके साथ थोड़े से यहाँ पर क्रिप्स, चिप्स, कोई भी आप अपने हिसाब से रख दें। अगर फ्राइज़ है तो फ्राइज़ रख दें, दैट्स टोटली अप टू यू। थोड़े से क्रिस्प जो है ना वो अच्छा लगता है यहाँ पर। एंड बाउंटी बार्स भी रेडी हो गई हुई हैं, बस थोड़ी सी आपको बताऊँ जो प्रेप है ना
एक्स्ट्रा थोड़ी सी गार्निशिंग और वो सब यहाँ पे लेमन रख देते हैं एंड देयर यू गो. बोथ ऑफ माई रेसिपीज आर डन. प्लीज़ आपने क्या करना है, ट्राई करना है यहाँ पर. एंड ये जब आप ट्राई करेंगे वाकई आप लोग बोलेंगे कि कुछ खाया है, क्योंकि फुल फिलिंग है तंदूरी के साथ. एंड एज यू कैन सी लेयरिंग जो है यहाँ पर टोमेटोज़ हैं, चीज़ है. अच्छा, मैंने क्या किया था कि कुछ को लेटिस में डाल दिया था एंड ऑब्वियसली इसके अंदर आइसबर्ग तो ऑलरेडी है एंड बाउंटी बार्स. अब आप देख सकते हैं क्योंकि इसको प्रॉपर फ्रीज करना होता है एंड जो आप उसको फ्रीज करेंगे तभी ये ऐसी शेप में आएगी. एंड अगेन टोटली अप टू यू, ऑप्शनल है. आपको जो भी चॉकलेट यूज़ करनी है आप चॉकलेट यूज़ करें, मिल्क चॉकलेट करनी है, डार्क करनी है. मैंने थोड़ा सा इसको रहने दिया था यहाँ पर कोकोनट को, ताकि अच्छा थोड़ा लगे कि हाँ एक कोकोनट बार खा रहे हैं यहाँ पर. अगर आपको फुल कोटिंग करनी है तो अपने हैंड के थ्रू आप यहाँ पर फुल डिप करें इसको एंड उसको आप निकालें एंड पूरा उसको बंद करके अपनी स्वीट्स कोई भी जो छोटी छोटी बॉक्सेस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें भी आप डाल के दे सकते हैं. सो बोथ ऑफ माई रेसिपीज आर डन, वेरी ईजी एंड वेरी क्विक. आई रियली होप इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दें एंड मुझे एंड मेरी टीम को दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह मिलेंगे कल विद न्यू सिग्नेचर स्टाइल रेसिपीज़. अल्लाह हाफ़िज़.